सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, साहिद द राइडर विथ अनदर व्लॉग्स। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कैसरगंज का, और हम लोग आज जा रहे हैं कैसरगंज, तो वहीं का आप लोगों को व्लॉग दिखाएंगे। एंड अभी मैंने करीब एक महीने या तीन चार हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने दिखाया हुआ था कि कंप्यूटर सिस्टम से कार की रिपेयरिंग होती है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चार पांच वीडियो के बाद में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसी पर एक बंदे का जो है कमेंट आया हुआ था कि भाई कैसरगंज की एक स्वीट वीडियो दिखा दो प्लीज़। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर कमेंट भी देख रहे हैं बंदे का, और अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है हमारे चैनल पर जाना होगा, वहाँ से आप विज़िट करके और देख सकते हैं। तो ऐसे व्लॉगिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ उसी के लिए कैसरगंज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और भाई, अगर आप देख रहे हो हमारा चैनल तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए ये वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। कैसरगंज की स्वीट वीडियो बना दो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कमेंट मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। तो अभी जा रहा हूँ मैं वीडियो बनाने, और देखिए अभी हम लोग यहाँ पर कहाँ खड़े हुए हैं। कैसरगंज से अभी हम लोग 2 किलोमीटर पहले खड़े हुए हैं यहाँ पर टोल टैक्स, यहाँ पर टोल टैक्स के पास खड़े हुए हैं। और इधर देखिए हमारे साथ में कौन है, हमारे ब्रदर हैं शहनवाज भाई, ये भी जा रहे हैं साथ में। और गाइस, अभी यहाँ पर क्या हुआ टोल टैक्स में ना, अभी एक कुछ नया बदलाव आया हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, जो फोर व्हीलर कार होती थी उसका कुछ 50 रुपये का टिकट था कि आप 24 घंटे में एक बार जाकर और वापस जा सकते हैं इसी टोल टैक्स से। और अभी इन लोगों ने क्या कर दिया हुआ है कि एक तरफ से आप जाओगे तो 35 रुपये का आपको लेना पड़ेगा टिकट, और अगर फिर वापस जाओगे तो फिर से 35 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। 20 रुपये इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। सो चलिए, खैर हमारी तो यहाँ पर बाइक जिंदाबाद है। ये देखिए हमारी बाइक खड़ी हुई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बाइक से हम लोग जा रहे हैं, उसी से वीडियो शूट करेंगे, और जो हो सकेगा वो मैं आप लोगों को कैसरगंज में दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं कैसरगंज में, और बाकी की वीडियो वहीं पर बनाते हैं। सो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, अभी हम लोग कैसरगंज पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग कैसरगंज पहुंच चुके हैं। और अभी क्या यहां पर एक अपने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के जो डीएम साहब हैं, इन्होंने एक नया कानून निकाला हुआ है
कि मंगलवार को आप लोगों की जो है सारी दुकानें बंद रहेंगी। तो अभी क्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फल फ्रूट वाले हैं और इधर एक शॉप है। तो अभी सिर्फ इन्हीं लोगों की शॉप खुलेगी और जो बड़ी शॉप जितनी भी है यहाँ पर सारी की सारी अभी बंद है। यहाँ पर जितनी भी बड़ी शॉप है सारी बंद है। और जो एंड गाइस अभी हम लोग चलते हैं और आगे और दिखाते हैं आपको ऐनी, इधर एक जो गांव पड़ता है ऐनी और प्यारेपुर की तरफ, उधर चलकर दिखाते हैं आपको। इधर यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है कैसरगंज की, और जो बड़ी शॉप जितनी हो यहाँ पर सारी बंद हैं। यहाँ पर जितने ठेला वगैरह हैं सिर्फ यही लगे हुए हैं यहाँ पर बाहर, आप लोग देख सकते हैं। सो चलिए फटाफट चलते हैं और आगे। इधर गाड़ी बहुत है इसलिए आवाज़ आप लोगों को साफ सुनाई नहीं दे रही होगी। ये देखिए तो चलिए फटाफट अभी इस रास्ते पर चलते हैं हम आप लोगों को और दिखाते हैं। एंड गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऐनी और वहाँ पर ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाया, बट जो हो सका वो मैंने दिखा दिया है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारे ऐनी का मदरसा है। ये देखिए ये मदरसा है, ये देखिए। यहीं पर लगता है ऐनी का जो मेला होता है ना, वो यहीं पर लगता है ऐनी का। ये देखिए मस्जिद है। ये देखिए यही मजार शरीफ है बाबा की। एंड गाइस आप लोगों को जो है पूरी वीडियो दिखा दिया है, कैसरगंज की भी दिखा दिया है और ऐनी की भी दिखा दिया है, और वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है मुझे लगता है, तो इसीलिए इस वीडियो को फटाफट यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। और इसके आगे की भी मैं वीडियो बना रहा हूँ प्यारेपुर की, तो वो वीडियो मैं दूसरे पार्ट में अपलोड करूँगा। सो गाइस इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और अभी मैंने नाम पढ़ा OYYSRK, ऐसे ही नाम है जो भाई का कमेंट आया हुआ था। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है और अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके आगे मैं अभी दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो भी मैं दूसरे पार्ट में अपलोड कर दूँगा। सो चलिए इस वीडियो को फटाफट यहीं पर एंड करते हैं। और आज का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, हमारे उधर जो है बारिश भी हो रही थी, इधर अभी बारिश नहीं हुई है, सुबह से मौसम है बहुत प्यारा मौसम लग रहा है इधर, ये देखिए। एंड यहाँ पर प्यारेपुर की जो हरियाली होगी उसकी तो बात ही अलग है यार, तो इसीलिए मैं वो वीडियो अलग अपलोड करूँगा।
सो चलिए फटाफट इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। तो आगे लगी है का? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.